देख के आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन कबाब बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। आज के जो कबाब की स्पेशलिटी वो ये है कि ये हम आपको विदाउट चर्बी यानी कि चर्बी के बगैर कबाब बनाना सिखाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। हमने 1 किलो चिकन बोनलेस ले लिया क्योंकि हमने इसका कीमा बनाना है। मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, आप चाहे तो कीमा ले सकते हैं। इसके अलावा हम चीज का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो में 100 ग्राम चीज ऐड होगी, और जो चीज आपने यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ मोजरेला चीज इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने और कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी। इसको हम लास्ट पर स्प्रेड करेंगे। इसके साथ हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच लेंगे। आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरे पास फ्रेश था तो मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच लिया। इसके बाद मैंने ये हमारे पास सूखा हुआ हरा धनिया था, फ्रेश मेरे पास अवेलेबल नहीं था, आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है। कुकिंग ऑयल हमने लिया है 1.5 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला ऑप्शनल है, मैंने 1/2 चाय का चम्मच इस्तेमाल किया। नमक मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया, आपने हसबे जायका इस्तेमाल करना है। सफेद मिर्च पाउडर जो है हमने 1.5 चम्मच लिया है। 1 चम्मच हमने पीसा हुआ सूखा धनिया लिया है। 1 चम्मच जो है वो हमने पुदीना लिया, लेकिन ये भी मेरे पास ड्राई फॉर्म में था, आपने इसको ताजा लेना है। और चंद जो है 8 से 10 हम हरी मिर्चें लेंगे साबुत वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, 1 किलो में 1.5 पाव यानी कि 400 ग्राम हम प्याज इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉपर मैंने ले लिया है, चॉपर के अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें इकट्ठे डालकर इसको चॉप करेंगे। साथ में अब मैं हरी मिर्चें डाल दूं। हमने प्याज को बहुत फाइन बनाना है। हमारे जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपने जो प्याज का पानी है वो अच्छे से निकाल लेना है। जितना अच्छा आपका प्याज होगा बगैर पानी के उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। मैंने इस तरह एक बड़ा सारा स्ट्रेनर ले लिया है और मैं इसके अंदर ये सारे ऐड करूंगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से किसी कपड़े में डालकर भी इसको स्टेन कर सकते हैं। आपने इस तरह से प्रेस करते जाना है और इसका पानी निकाल लेना है। चलिए अब मैं इसका अच्छे से पानी निकाल लूंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चिकन का जो है वो कीमा बना लेंगे। हमने जो चिकन का कीमा बनाना है उसमें से भी अच्छे से पानी जो है निकाल देना है। आपने इस बात का अच्छे से ख्याल करना है कि चिकन और प्याज का जो पानी है वो इसमें बिल्कुल ना हो। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन था वो बिल्कुल अच्छे से इसका कीमा बन चुका है। अब हम इसका भी पानी निकाल देंगे। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने परात ले लिए, ये खुले मुंह वाला बर्तन। अब ये मैंने जाली के अलावा जो हमारी स्टेनर थी उसके अलावा मैंने कपड़े में डालकर प्याज को बिल्कुल खुशक कर लिया है। और हम आपको हाथ की मदद से दिखा भी देते हैं कि ये देखें ये कितना ड्राई है। आपने बिल्कुल इसी तरह ड्राई कर लेना है। अब सेम इसी प्रोसीजर से हम चिकन का पानी भी निकाल लेंगे। अब मैंने चिकन को भी इस मसाले के अंदर हमने शामिल कर दिया जो प्याज और हरी मिर्च वाला था। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो खुश्क सा हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया, ये देखें, और इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले डालकर। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे सफेद मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक, पुदीना और धनिया। और साथ में हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। आपने इसको बहुत अच्छे से मसालों को मिक्स करना है।
ये देखें व्यूअर्स, अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चॉपर में डालेंगे ताकि ये मजीद अच्छे से चॉप हो जाए। और साथ में हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको कहा था मोजरेला चीज ऐड करेंगे, तो मैंने इस तरह इसके पीसेस बना लिए थे, आप इसको श्रेड भी कर सकते हैं, जिसे हम कद्दूकश कहते हैं। ये 100 ग्राम हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, चॉप करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे एक खुले मुंह वाले बर्तन में, तो मैं इसको निकालने लगा। मैंने इसको दो हिस्सों में बना लिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको खुले मुंह वाले बर्तन में डाल लिया। आपने इसको अच्छे से मलना है 4 से 5 मिनट तक। जितना अच्छा आप इसको मलेंगे उतने अच्छे हमारे कबाब जो है वो तैयार होंगे। मसलते जाएं हाथ के साथ। ये जी कीमा हो गया तैयार। ये साथ में सादा पानी रख लिया, और ये सीखें कबाब के लिए जो सीख होती है वो चारों तरफ से चौरस होती है। ये पानी में हाथ पहले भिगो लेना अच्छी तरह जी, ये उठा लिया जितना भी आपने रखना है। आपने इसके ये वाला एज और ये वाला एज दोनों अच्छी तरह बंद कर लेना, हवा यहां से ना जाए। इधर ये हमारे कोले भी तैयार हो गए हैं बिल्कुल, ये हल्की आंच की रखने हैं। इनू तो हल्की आंच तक रखना। ये देखें जी इनका कलर कितना खूबसूरत हो गया। बस ये कबाब हमारे ऑलमोस्ट तैयार है, अब इसे उतार लेना, घी लगाने की जरूरत नहीं है। ये अब कबाब हमारे तैयार हो गए हैं जी, अब इन्हें उतारने का तरीका जी अखबार रख के थोड़ा सा इसे पीछे करना, फिर थोड़ा सा आगे करना है और इसे उतार लेना आराम से। ये देखें कोई टूटा नहीं है जी। ये देखो थोड़ा सा पीछे, फिर थोड़ा सा आगे, और ये आराम से जैसे मर्जी उतारें ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये देखें जैसे मर्जी इसे फेंकें, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं ये, कोई मसला नहीं हुआ। ये देखें जी कलर इनका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया।